हेलो गाइस, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है और एक बहुत ही शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये शानदार सी गाड़ी आप सामने देख रहे हो, इनोवा क्रिस्टा हाईक्रॉस मॉडल जो नया आया है और ये जनवरी के बाद अवेलेबल हो जाएगी टोयोटा के शोरूम में। और टोयोटा की बेहतरीन कार है ये इनोवा क्रिस्टा, और ये कार अभी ना ट्रैवल कर रही है देखने के लिए इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, और ये कार वर्चुअली हम आपको दिखाएंगे और हम आपको शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जा सके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं फ्रंट से, बैक से LED लाइट्स आ चुकी है, LED बम्पर चेंज हो चुका है, मतलब कम्प्लीटली इसकी शेप ना चेंज हो चुकी है, अलॉय व्हील्स वगैरह हर चीज़, ऑटो पायलट भी आ गया इसमें जैसे XUV700 में आप लोगों ने देखा है। और काफ़ी प्रीमियम लगती है फ्रंट लुक इसकी, बिल्कुल ग्रिल जबरदस्त दी गई है इसकी अब की बार। और ये कार की डायमेंशन आप देख सकते हो, लेंथ वगैरह और साइड लुक काफ़ी ज़बरदस्त आती है, और ये वाला कलर भी इसमें बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल मतलब मस्त लग रहा है देखने में, ये आप कह सकते हो अब की बार। मतलब टोयोटा ने ना काफ़ी अच्छा काम किया है इस गाड़ी के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन सुंदर मतलब अलॉय व्हील दिए गए हैं इसके। अगर आप देखते हैं तो अलॉय जबरदस्त लग रहे हैं इसके अंदर, और गन मेटल फिनिशिंग में ये दिए गए हैं। 225-50 आर का टायर है ये, अलॉय व्हील्स आगे पीछे, डिस्क ब्रेक फ्रंट में है और 18 इंच के टायर है। टॉप मॉडल में आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलने वाली है इसमें। और कार की प्रोफाइल देखिए बाहर से, मतलब बेहतरीन है। पावर व्हील में नीचे देखिए मतलब कैमरा दिया गया, ये हाइब्रिड है, ये पेट्रोल इंजन में हाइब्रिड के साथ आएगी, एवरेज इसकी 20+ रहेगी जो बताई जा रही है। और बैक साइड से देखिए क्या जबरदस्त प्रीमियम कार लग रही है, बिल्कुल शार्प पेंटिना दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया, वाइपर दिया गया, क्रोम की बेजल दी गई है और LED टेल लैंप दिए गए हैं, मतलब अमेजिंग लग रही है। बैक लुक भी इसकी अमेजिंग है, टोयोटा बैक लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त निकाली है। 7-सीटर के ऑप्शन में आई है और इनोवा हाईक्रॉस की बेजिंग दी गई है, कैमरा इसका डिक्की में दिया गया है, मॉडल का नाम दिया गया बैक साइड में। और बैक साइड में नीचे देखिए मतलब मैटी फिनिश रिफ्लेक्टर दिए गए, मैटी फिनिश दिया गया, और बूट इसका ऑटोमेटिक ओपन है, इलेक्ट्रिक बूट दिया गया है, इसका बटन दबाते ही खुल गया इजिली, और बूट स्पेस भी अच्छा दिया गया है इसके अंदर। और यहाँ पे लैंप दिए गए हैं, टॉप मोड ये वाला टॉप वेरिएंट है इसका जो आप देख रहे हो अभी, और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इसका, ये अच्छा मतलब एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पे। हेडरेस्ट जो है यहाँ पे अलग से रखा गया, म्यूजिक सिस्टम और ये स्पेस दिया गया है कुछ रखने का, टूल वगैरह रखना है। हाइब्रिड वेरिएंट है और बैटरी इसमें ऐसे एडजस्ट की गई है आपको दिखाई भी नहीं देंगे नीचे की तरफ, स्पेयर व्हील नीचे दिया गया है आराम से कम, और यहाँ पे बटन दिया गया है, बटन से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, बटन दबाइए और ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये लाइट देखिए क्या जबरदस्त लग रही है, फिर से साइड लुक देखिए और भीड़ देखिए यहाँ पे लोगों की कितनी जबरदस्त पसंद आ रही है लोगों को, सभी के सभी यहाँ पर देख रहे हैं इस गाड़ी को। और इसके बाद आपको दिखाते हैं अंदर इंटीरियर का डोर, ये डोर पैनल आप देखिए इसका कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लेदर फिनिश मिली है और ये प्लास्टिक है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये इसका मैनुअल कर्टेंस दिए गए हैं बैक दोनों सीट्स पे। फीचर्स भर के दिए गए आपकी बार इनोवा क्रिस्टा में, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, स्पेस दिया गया है, और ये सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, थाई रेस्ट हो सकता है इसमें, मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स दी गई हैं आपकी बार। सोफ़ा सीट्स जो हैं इसकी ज़बरदस्त दी गई है, इंटीरियर वाइज बहुत ज़बरदस्त है, सनरूफ दिया गया है, मूनरूफ दिया गया है, और 7-सीटर आगे फ्रंट की 2 सीटें हैं, बीच में 2 सोफ़ा सीटें हैं, लास्ट में भी 2 सोफ़ा सीटें हैं, 6 सीटर है। और स्पेस की बात की जाए तो स्पेस भी ज़बरदस्त है, नी स्पेस काफ़ी अच्छा है, बीच में कप होल्डर दिया गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मतलब इनोवा क्रिस्टा तो कम्फर्ट लाइन में सबसे नंबर 1 कार है, और ये बहुत ही बेहतरीन रही है हमेशा से जब से लॉन्च हुई है। ये AC कंट्रोल दिए गए हैं, ये 2 टाइप C फोर्स दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कुछ भी सामान हैंग करना तो उसके लिए दिया जाता है।
यहाँ पे लैंप मिला है, यहाँ पे एसी वेंट मिले हैं और आप देख सकते हैं मतलब स्लाइड करके पीछे बैठा जा सकता है, आगे निकला जा सकता है। ये आर्म रेस्ट मिल गया हर सीट पे अलग अलग, और आप देख सकते हैं मतलब सीट को एडजस्ट करके पीछे भी बंदा बैठ सकता है। थोड़ा टाइट रहता है लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा स्पेस बढ़ाया गया गाड़ी के अंदर। आगे की साइड चलते हैं, अब आगे देखते हैं जल्दी से। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं फ्रंट व्यू कैसा है, डैशबोर्ड कैसा है, और बैटरी यहाँ सीट के नीचे दी गई है। यहाँ पे कंडक्टर सीट के नीचे बैटरी दी गई है और बूट वगैरह बिल्कुल कंप्लीट आपको यूजेबल रहेगा, वहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। और इंटीरियर व्यू देखिए, मतलब कंडक्टर साइड से ज़बरदस्त था। अब दूसरी साइड से दिखाते हैं आपको, पीछे का स्पेस दिखाते हैं एक बार आपको अंदर जा करके। ये यहाँ से एडजस्ट होएगी और ये ऐसे डेकलाइन करके और बटन दिए गए, ये आगे इलेक्ट्रिकली आगे पीछे होएगी। थोड़ा स्लो महसूस हो रहा है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए था जैसे आगे पीछे करें इसको। तो ये स्लाइड हो गई ऐसे, फिर बैक साइड में आराम से बैठा जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा नहीं स्पेस थोड़ा टाइट लग रहा है लेकिन फिर भी मस्त है। 7 सीटर के हिसाब से, 6 सीटर के हिसाब से फिर भी इनफ है, आराम से बैठा जा सकता है। एसी वेंट भी दिया गया है, ग्लास थोड़ा छोटा दिया गया है लेकिन फिर भी ठीक है। पैनोरामिक संदूक अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। फिजर कप होल्डर दिए गए हैं ये देखिए, और चार्जर दिया गया, चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, एसी के वेंट दिए गए हैं, चार्जिंग का पोर्ट दिया गया। और सीट्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, सीट कवर काफ़ी अमेजिंग है, लेदर वर्क काफ़ी अमेजिंग किया गया है। अब आगे देखेंगे, जाके आगे की बात करते हैं। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ये लीवर दिया हुआ है। इससे आगे की तरफ हम जाएंगे और जाके अभी देखते हैं कि भाई फ्रंट से कैसी लगती है, ड्राइवर सीट से कैसी लगती है, कंडक्टर सीट से कैसी लगती है। कंडक्टर सीट से देखिए अभी आप, तो बैठ के आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी LED दी गई है, स्पेस अच्छा दिया गया है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया हुआ है और ये स्पेस अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, एसी वेंट हो गया है, टच स्क्रीन बेहतरीन ज़बरदस्त है। की नहीं है हमारे पास, नहीं हम आपको चला के भी दिखाते इसको, वो नहीं दिखा पाएंगे उसके लिए सॉरी। और इंटीरियर वाइज ज़बरदस्त दिया गया है, ये काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन टोयोटा जिसके लिए जानी जाती है। लेकिन टोयोटा ने अब की बार ना सब कुछ चेंज कर दिया, आप देख सकते हो, मतलब एक नई जनरेशन की जो चीज़ें आ रही हैं सभी दे दी हैं। गियर नॉब काफ़ी शानदार हैं और गियर नॉब ऑटोमेटिक का अब की बार चेंज किया इन्होंने, काफ़ी बेहतरीन और अच्छा बना दिया है। और आप देख सकते हो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त टाइप सी पोर्ट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, कप होल्डर दिए गए हैं और ये आर्मरेस्ट दिया गया। आर्मरेस्ट के अंदर भी स्पेस अच्छा है, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, बेहतरीन कुछ भी स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो, मोबाइल वगैरह आराम से रखा जा सकता है यहाँ पे। और अभी आप देखिए मतलब इनोवा जानी जाती है कंफर्ट के लिए, कंफर्ट मतलब हर चीज़, और फीचर्स भी आप लोडेड हो गए हैं तो एक बेहतरीन लग्जरी कार बन गई है। और इसके अंदर ऑटो पायलट भी आ गया जो XUV700 में देखा गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और XUV700 के बाद ऐसी कार में तो मतलब इस रेंज में तो यही है। स्टार्ट स्टॉप बटन भी आ गया है, बाकी आपको फेस अच्छा दिख रहा है। हाँ अब इसको देखते हैं, आपको दिखाते हैं ड्राइवर सीट से देखिए, मतलब एडजस्टेबल है, बेहतरीन है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, दो पैडल हैं, बाकी आप देखिए मतलब स्टेयरिंग भी बड़ा ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं स्टेयरिंग बड़ा ही ज़बरदस्त बना दिया है इसका, और मतलब बहुत ही कम्फर्टेबल सीट्स, मतलब एक ज़बरदस्त अंदर फील ना, बड़ा ही मतलब बेहतरीन आया। ये देखिए LED लाइट दी गई है इसकी, छोटा सा हाइब्रिड वेरिएंट है, इसमें बैटरी का भी और चार्ज का भी, चार्जिंग मोड पे होगी वो सब दिखाएगा, फ्यूल मोड दिखाएगा, बीच में कलरफुल की डिस्प्ले दी गई है और काफ़ी बेहतरीन, मतलब इसमें अडोप्टिव कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल आ गए, प्लस माइनस आ गया, पैडल शिफ्ट आ गया साथ में इसका, और मस्त बेहतरीन, मतलब अंदर बैठ के तो उतरने का मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्त। और ये क्रूज कंट्रोल और अडेप्टिव कंट्रोल, ऑटो पायलट कंट्रोल आ गया इसके अंदर, आप देख, टिल्ट टेलीस्कोपिक सब कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। JBL की ब्रांडिंग दी गई है, JBL के स्पीकर हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल हैं, हेडलाइट के, मतलब काफ़ी बेहतरीन नोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस जो आ रही है, काफ़ी बेहतरीन आ रही है, आप देख सकते हैं। मतलब जिसका भी प्लान हो
इसको जिसका भी मन हो बुक कराने का बुक कराइए जल्दी से जल्दी। इसकी बुकिंग काफ़ी जा चुकी है, लगभग 1 साल के आसपास बुकिंग जा चुकी है इस गाड़ी की। और ये बेहतरीन कार होने वाली है, ज़बरदस्त कार इंडिया के अंदर, पेट्रोल हाइब्रिड, जिसमें एवरेज भी इसकी अच्छी रहेगी, 20 से 22 की एवरेज रहेगी। आप यह कार परचेज कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ऐसी आपके नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी और दिखाते रहेंगे हम। थैंक यू।